चलिए अब आप लोग को यमुना मैया का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे बोट राइडिंग भी होता है, आप बोट पे चढ़कर यहाँ पे केसी घाट का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ बोट से केसी घाट जा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग बोट से निकल चुके हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही लुभावना दृश्य है। चलिए अब आप लोग को केसी घाट का दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है ये काफ़ी पुराना है। आप ये कभी भी आए यहाँ पे तो बोट पे जाकर या ऐसे भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये निधि वन से 200 मीटर पे है और ये यहीं पास में कदम का पेड़ है जिसपे हमारे कृष्ण कन्हैया बैठकर स्नान करते हैं। चलिए अब हम लोग केसी घाट के बारे में जानते हैं। इस घाट का नाम केसी घाट क्यों पड़ा? यहाँ पे कहा जाता है कि कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए केसी नाम के राक्षस को भेजा था, जिसे भगवान कृष्ण ने केसी राक्षस का वध करके यहीं पे स्नान किया था, इसलिए इस घाट का नाम केसी घाट रखा जाता है। शाम 4:30 पे केसी घाट पे संध्या आरती होती है, जिसका कि आप आनंद ले सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं यहाँ पे आप।